Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar, and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to ETA, MDCAT, NEET, GIIT in a course session. Today we have to discuss karna hai, that is measurement of vapor pressure. Vapor pressure ko kaise measure kiya jata hai? Yaad rakhna student. वेपर प्रेशर को मेजर करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन दो मेथड बहुत कॉमनली यूज होते हैं. उसमें से एक मेथड है जिसको हम कहते हैं बैरोमेट्रिक मेथड. स्टूडेंट, बैरोमेट्रिक मेथड में जो अपरेटस यूज होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं. बैरोमेट्रिक मेथड में जो अपरेटस यूज होता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं. बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक सिंपल सा अपरेटस होता है जिसमें एक डिश होती है. उस डिश को मरकरी से फिल कर देते हैं और एक कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है. उस कैलिब्रेटेड ट्यूब को भी मरकरी से फिल करके मरकरी की डिश में इन्वर्ट कर देते हैं. जब ट्यूब को मरकरी की डिश में इन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? मरकरी का लेवल ट्यूब के अंदर नीचे आता है. मरकरी का लेवल ट्यूब के अंदर नीचे आता है और ट्यूब में मरकरी के लेवल के ऊपर एम्प्टी स्पेस बन जाती है. एम्प्टी स्पेस बन जाती है. अगर हम ये सी लेवल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हों तो मरकरी का लेवल ट्यूब के अंदर 760 मिलीमीटर मरकरी पे स्टे करता है. तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या होता है? बैरोमीटर होता है. अब बैरोमीटर की वर्किंग कैसे होती है स्टूडेंट? वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर मालूम करना हो, उसका एक ड्रॉप ड्रॉपर की मदद से इस ट्यूब के नीचे डाल देते हैं. कि लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप बनीथ द टेस्ट ट्यूब. जब इस लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर मालूम करना हो इसको इस मरकरी वाली इन्वर्टेड ट्यूब के नीचे डालेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? ये वाला जो ड्रॉपर है, ये वाला जो ड्रॉप है, ये राइज करके मरकरी के टॉप पे चला जाएगा. मरकरी के लेवल जो ट्यूब के अंदर लेवल हो तो टॉप पे चला जाएगा. क्यों चला जाएगा? क्योंकि तमाम लिक्विड में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी मरकरी की होती है. अब तमाम लिक्विड की डेंसिटी मरकरी से कम होगी, इसलिए जिस लिक्विड को भी डालेंगे वो मरकरी के सरफेस के टॉप पे चला जाएगा. अब ये ड्रॉपर यहाँ पे जब जाएगा तो क्या करेगा? ये ड्रॉप जो लिक्विड ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप एवोपरेट होगा. इस एवोपरेशन से क्या बनेंगे स्टूडेंट? वेपर बनेंगे. वो जो वेपर जब बनेंगे वो वेपर इस लिक्विड ड्रॉप के साथ इक्विलिब्रियम में जब आ जाएंगे उस वक्त ये वेपर मरकरी की सरफेस पे डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे. जब डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? मरकरी का लेवल ट्यूब में नीचे आ जाएगा. जब मरकरी का लेवल ट्यूब में नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? जब मरकरी का लेवल ट्यूब में नीचे आएगा, जितना शुरू में लेवल था और जितना अब लेवल है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे. जितना मरकरी के लेवल में कमी आई वो उस लिक्विड का उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होगा. तो ये वर्किंग है सिंपल सी, किसकी? बैरोमीटर की. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? जितना शुरू में लेवल था और जितना अब लेवल है, इसके दरमियान जो हाइट में डिफरेंस आएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ दैट पार्टिकुलर लिक्विड होगा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. अब स्टूडेंट लेट्स सपोज ये 760 था और ये 620 है, तो 760 माइनस 620 ये हमारे पास 140 बनता है. तो ये 140 इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उस टेम्परेचर के ऊपर. तो ये हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करने का पहला मेथड है. अब स्टूडेंट मरकरी हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें? मरकरी दो रीज़न की वजह से यूज़ करते हैं. एक, मरकरी इसलिए यूज़ करते हैं कि मरकरी की डेंसिटी तमाम लिक्विड से ज़्यादा है. जिस लिक्विड को भी डालेंगे वो क्या होगा? वो लिक्विड इस मरकरी के टॉप के ऊपर चला जाएगा. जो इन्वर्टेड ट्यूब है उसमें मरकरी का जो लेवल है उसके ऊपर वो लिक्विड ड्रॉप चला जाएगा. दूसरी रीज़न है कि मरकरी हैनर्ट है, वो किसी लिक्विड से रिएक्शन नहीं करेगी और ये हमारे पास वाल ऑफ कंटेनर के साथ उसको भी वेट नहीं करेगी. इसलिए हम क्या करते हैं?
यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, मर्करी को इन द बैरोमीटर। अब स्टूडेंट, इस मेथड के कुछ एडवांटेज हैं। कौन से एडवांटेज हैं? पहला एडवांटेज है कि ये सिंपल मेथड है, ये चीप मेथड है और इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये इस मेथड के एडवांटेज हैं। ड्रॉबैक क्या है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस मेथड में एयर को एवैक्यूएट करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लिक्विड ड्रॉप के साथ एयर भी शामिल हो सकती है, और जब लिक्विड ड्रॉप ऊपर जाएगा एयर भी साथ जा सकती है, और कुछ डाउनवर्ड जो मर्करी को पुश करेगा वो लिक्विड वेपर के साथ साथ जो एयर है वो भी करेगी। इस तरह हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ये इस मेथड का ड्रॉबैक है। अब स्टूडेंट, एक दो एमसीक्यूज पे बात करता हूँ जी। मेरे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर। स्टूडेंट, मैंने पहले बात कर ली कि बहुत सारे मेथड हैं वेपर प्रेशर को मेजर करने के। अब स्टूडेंट याद रखना, हम जनरली दो ही पढ़ते हैं, स्टूडेंट के माइंड में दो ही होता है। तो याद रखना, हम जब ये एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर, बैरोमेट्रिक मेथड, स्मिथ एंड मेनिसेस मेथड एंड रेमजे एंड यंग मेथड, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है। स्टूडेंट ने सिर्फ बैरोमेट्रिक मेथड पढ़ा होता है। याद रखना स्टूडेंट, वेपर प्रेशर मेजर करने के मेथड में से हमारे पास बैरोमेट्रिक मेथड, मैनोमेट्रिक मेथड, स्मिथ मेथड एंड रेमजे एंड यंग मेथड, ये सारे शामिल हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस से मेजर करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन होता है, दैट इज बैरोमीट्रिक मेथड, नंबर टू मैनोमीट्रिक मेथड, नंबर थ्री बोथ एंड बी, एंड नंबर डी नन ऑफ दीज। याद रखना स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो अपरेटस हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर से। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पहला मेथड, जिसको हमने नाम दिया किसका? बैरोमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। स्टूडेंट, अगला मेरा सेशन आएगा दूसरे मेथड पे, जिसको हम मैनोमेट्रिक मेथड कहते हैं। तो याद रखिएगा, इन मेथड्स है आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। स्टूडेंट, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। याद रखिएगा, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखें। ये ईटा, ये एमडीकैट, ये नीट, ये IIIT, ये जी, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ आपने डरना नहीं है, आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, आप निकल जाओगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।